Hello student, welcome to chemistry class. Student, as you know that in chemistry we are studying last chapter biomolecules, and in biomolecules we have completed carbohydrate and proteins. Now we are studying nucleic acid, and in nucleic acid we in earlier classes we have completed what is nucleic acid with their structure, formation. Now today our topic is DNA and RNA. It is very important topic. In most of the examinations their differences are asked. Okay, बच्चों हम लोग जो है biomolecules last chapter पढ़ रहे हैं, और उसमें हम लोग जो है कि उसका RNA DNA वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स हैं. और ज़्यादातर अब क्वेश्चन जो RNA DNA से पूछे जाते हैं उसको अगर हमें याद रखना है तो हमें इसका डिफरेंस याद रखना पड़ेगा. अगर डिफरेंस याद रखेंगे तो हमारा जो है कि क्वेश्चन एक तो तैयार हो जाएगा, पक्का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा. कहीं भी अगर कंपटीशन वगैरह में भी आता है, नीट वगैरह IIT वगैरह में, तो भी वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए आज हम लोग जो है कि डिफरेंस देख लेते हैं, और उस डिफरेंस फंक्शन के साथ हेडिंग डाल दीजिए डिफरेंस ऑफ बिटवीन DNA एंड RNA. हम लोग एक तरफ लिखेंगे DNA, एक तरफ लिखेंगे हम लोग RNA. ठीक है, अब DNA को पहले तो हम बता देते हैं कि ये क्या है. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एसिड. ओके, इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. तो स्टूडेंट पहला डिफरेंस हो गया, इसको तो हम DNA और इसको RNA. DNA को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. ठीक है, इसमें जो शुगर होती है, शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर. ओके, अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा. ओके, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे H OH H H, ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर. इसका जो पहला कार्बन है 1 और ये 2, जो दूसरा कार्बन यहाँ पे है, इस दूसरे कार्बन पे दो हाइड्रोजन है. ठीक है, क्या है, दो हाइड्रोजन. इसीलिए जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है इट इज एसिडिक शुगर. ओके, और यहां पे होती है राइबोज शुगर. यहां पे क्या होती है, राइबोज शुगर. और राइबोज शुगर का जो स्ट्रक्चर होगा CH2OH, H OH, H OH, ओके, OH, H और H. ठीक है, तो इट इज बेसिक शुगर. इट इज
बेसिक शुगर। तो ये एक डिफरेंस हो गया इन दोनों की स्ट्रक्चर का डिफरेंस। यहाँ पे कार्बन नंबर 2, 1, 2, 3, 4, 5 पेंटोज शुगर है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है कार्बन नंबर 2 पे, यहाँ पे एच ओ एच है और यहाँ पे क्या है, एच और एच है, ठीक है। तो इसलिए ये एसिडिक शुगर होती है और ये बेसिक शुगर होती है। क्या होती है, ये है एसिडिक, एसिडिक, ठीक है, और ये है बेसिक शुगर। अब ये जो है स्टेबल है, मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल है, ये क्या है, लेस स्टेबल है। ओके, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं हम लोग। अगला डिफरेंस क्या है, अगला जो डिफरेंस है वो नाइट्रोजिनस बेस का, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस इन डीएनए आर क्या है, पहला है पिरिमिडिन, और पिरिमिडिन में ए हो गया हमारा थायमिन और बी हो गया हमारा साइटोसिन, ठीक है, बी क्या हो गया साइटोसिन, और सेकंड इसमें हो गया प्यूरिन। ओके, प्यूरिन ई हो गया एडेनिन और बी हो गया ग्वानिन। ओके, बी क्या हो गया ग्वानिन। यहां पे नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस इन आरएनए आर बेसिस आर आर क्या है, फर्स्ट पिरिमिडिन, और पिरिमिडिन क्या है ए यूरासिल, बी साइटोसिन। ओके, और इसमें सेकेंड जो प्यूरिन है, प्यूरिन वो क्या है बच्चों, वो है ए ग्वानिन, और यू कैन राइट हियर एडेनिन एंड बी ग्वानिन, ठीक है। तो एक डिफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे थायमिन है और यहाँ पे यूरेसिन है, ठीक है। यहाँ पे एक डिफरेंस बच्चों क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि पिरिमिडिन में यहाँ पे यूरेसिन है, यहाँ पे थायमिन है। तो ये डीएनए में डिफरेंस हो गया, बाकी सारी चीजें तीन दोनों में सेम। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला हम लोग देखेंगे, इसको इरेज करते हैं। ओके,
बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ऐसे ऐसा नोट करिए और ऐसा पढ़िए, बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंपटीशन वगैरह में भी जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला जो हम डिफरेंस की बात करते हैं, डबल हेलिक्स, डबल हेलिकल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ऐसे लिख देते हैं कि इट हैज डबल हेलिक्स, ओके, और डबल स्टैंड, डबल स्टैंड ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ओके, यहाँ पे डबल स्टैंड होता है। यहाँ पे मोस्टली आरएनए तो होते हैं कुछ, इट हैज मोस्टली, इट हैज मोस्टली सिंगल स्टैंड है, सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स, ओके। अब यहां पे इट इज फॉर्म बाई, इट इज फॉर्म बाय रिप्लीकेशन, बाय रिप्लीकेशन, इसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए जानबूझ के, रिप्लीकेशन। जब डीएनए का रिप्लीकेशन होता है तब नया डीएनए बन जाता है, जब डीएनए का रिप्लीकेशन होता है तो नया डीएनए बन जाता है। ठीक है, इट इज फॉर्म बाई, इट इज फॉर्म बाई ट्रांसक्रिप्शन, ओके, ये ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। डीएनए का एक स्टैंड जो होता है उस स्टैंड के थ्रू जो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनता है जिसको हम एमआरएनए कहते हैं। तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन से बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ऑन डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन ऑन डीएनए, ठीक है। और ये फॉर्म बाय रिप्लिकेशन ऑफ अर्लियर डीएनए या पैरेंट डीएनए, पैरेंट डीएनए, ओके। इसको फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट अभी और भी पॉइंट है, ओके, नोट कर लिया होगा। एक बार फिर बता देते हैं, इसमें डबल हेलिक्स होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से देखा होगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर, और आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है, क्लोवर लीफ मॉडल की तरह से। रिप्ली ये ज्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, ये रिप्लिकेशन से बनता है। कैसे रिप्लिकेशन से बनता है थोड़ा सा यहीं पे क्लियर कर देते हैं। रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ड्यूरिंग
माइटोसिस और मियोसिस, ओके। अब इसमें क्या होता है, सपोज ये हमारा एक पैरेंट डीएनए है, ये अनवाइंड होता है, अनवाइंड, ठीक है, ये क्या होगा, अनवाइंड होगा। और जब ये अनवाइंड होगा तो यहां से दो नए स्ट्रैंड बनेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मगर जो है इसको कंप्लीट होने में टाइम लगते हैं। और एक तो कंटिन्यूअस बनता है और दूसरा कंटिन्यूअस नहीं होता है, मगर हम यहाँ पे बस रिप्लिकेशन को बता रहे हैं। इस तरह से ये सेकेंड पार्ट बन जाता है और यहाँ से ये फिर कट हो जाएगा, कट होकर के एक से दो डीएनए बन जाते हैं, इसी को हम रिप्लिकेशन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ ट्रांसक्रिप्शन लिख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में लिख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस प्लेस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। यहाँ पे वन स्टैंड ऑफ डीएनए वर्क एज टेम्पलेट एंड At that stand, new RNA is transcribed, ओके। एक नया आरएनए जो है उस टेम्पलेट पे बन के तैयार हो जाता है। आइए इसको हम देख लेते हैं कैसे बनता है, एक बार इसको देखना जरूरी है। सपोज कि ये एक डीएनए का स्टैंड है, ठीक है, ये एक डीएनए का स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है, ठीक है, 3' to 5' एंड 5' to 3', ओके। अब इसमें सपोज इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट पे ACGT ये है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे एक नया स्टैंड बनेगा, न्यू स्टैंड 3' to 5', न्यू स्टैंड, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, एक नया स्टैंड बनेगा। अब यहाँ पे होगा ए के साथ यू, जी के साथ सी,
टी के साथ ए, ए के साथ यू, सी के साथ जी, जी के साथ सी और टी के साथ ए, ए के साथ यू और सी के साथ जी, जी के साथ सी और टी के साथ ए, ठीक है। अब ये न्यू स्ट्रैंड बन गया हमारा mRNA, mRNA इसको हम बोलेंगे mRNA। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेडी हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या हो गया ट्रांसक्रिप्शन, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ओके। तो अब इसके बाद हम लोग जो है ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन भी साथ साथ जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे थोड़ा एक डिफरेंस और, इट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया एंड यू कैन से फंजाई, ओके। इट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑफ एनिमल वायरस, मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरस, मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरस, ओके। वैसे DNA इट ट्रांसफॉर्म फॉर्म जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। हैव यू नोटेड दिस, ओके। इट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया, फंजाई, ओके। एंड दिस इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरस, ओके। नेक्स्ट इट ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जेनरेशन टू, फ्रॉम वन जेनरेशन टू अदर जेनरेशन, ओके। और एक लाइन यहाँ पे, इट इज स्टोरेज हाउस ऑफ, स्टोरेज हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सेलुलर इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये स्टोरेज हाउस है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, इसमें हम सेलुलर इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। और इसका काम क्या करना है, इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ of protein through
थ्रू ट्रांसलेशन, थ्रू ट्रांसलेशन प्रोसेस, प्रोसेस ओके। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे हम लोगों ने मैक्सिमम एक और लिख लेते हैं, मैक्सिमम क्या है, इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस, इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, ये सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल ओके, इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, आरएनए जो भी होते हैं वो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में पाए जाते हैं ओके। चलिए नोट कर लिया। अब ये हमारा हो गया, डिफरेंस भी हो गया, सारे फंक्शन भी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग कुछ और जो छोटी छोटी जेनेटिक्स से संबंधित चीज़ें जो अक्सर पूछ दी जाती हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या होता है कोडान और जीन कोड, कोडॉन ओके। कोडॉन क्या होता है, अभी हमने बताया कि एमआरएनए के ऊपर ट्रांसलेशन होता है और एक नई प्रोटीन बनती है, तो जो एमआरएनए होता है उसके ऊपर कोडेड इन्फॉर्मेशन होता है, कोडेड इन्फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में तीन आरएनएस की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन सिंथेसिस में तीन आरएनए की जरूरत पड़ती है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एम फॉर मैसेंजर आरएनए, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए और आर फॉर राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। हमें जो है पहले कोडान बताने से पहले जो हमारा आरएनए है वो बता देते हैं, ये थ्री हो गए, टीआरएनए, पहले हम एमआरएनए लिखेंगे, एमआरएनए, आरएनए, फिर यहाँ पे टीआरएनए और जो थर्ड है हमारा आरआरएनए, स्मॉल आर आरएनए, ठीक है। ये तीन आरएनए होते हैं। एमआरएनए क्या करते हैं, हैव कोडेड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक, फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस ओके, प्रोटीन सिंथेसिस ओके। टीआरएनए इट हैव कोड, ट्रिपल कोड, ट्रिपल कोड फॉर अ ऐसे इसको लिखे तो सैनिक कंफ्यूजन हो जाएगा, है कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड, स्पेसिफिक अमीनो एसिड ओके। और आरएनए क्या करता है, इट इज राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए विच
binds or hold mRNA on ribosome. ठीक है, तीनों का आपने फंक्शन लिख लिया। इसके पास कोडेड इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इसके पास इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, एम फॉर मैसेंजर नोट कर सकते हैं, टी फॉर टीआरएनए हैव कोडेड स्पेसिफिक कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड, क्योंकि ये अमीनो एसिड को लाता है, ट्रांसफर करता है, इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आर आरएनए ये राइबोसोमल आरएनए होता है जो कि बाइंड करता है या होल्ड करता है एमआरएनए को, किसके ऊपर, राइबोसोम के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम लोग कोडॉन, हम लोग जो है कि कोड के बारे में जानेंगे, हम लोग जीन कोड के बारे में जानेंगे, और उसके बाद म्यूटेशन के और विटामिन्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।